कोई भी नंबर हमको इनपुट लेना है एंड प्रिंट टेबल ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, आपको इस फॉर्मेट में टेबल को प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप 3 इनपुट देते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल ये होगा, यानी कि 3 इनपुट देने के बाद आपको आउटपुट में ये चीज मिलनी चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पर आप सिंपल तरीके से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लूप का यूज होगा, एक लाइन में आपको कोड लिखना है, 10 बार आपको लूप चला देना है, ये पूरा आ जाएगा। और इस सिंगल लाइन में कोड करने के लिए आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमको कॉन्केटिनेशन करना पड़ेगा। कॉन्केटिनेशन का मीनिंग मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर एक और एक दो होते हैं तो वो एडिशन होता है, और एक और एक अगर 11 हो जाए तो वो कॉन्केटिनेशन होगा। तो आपने जो भी नंबर दिया है उसको एक्स के साथ कॉन्केटिनेशन करना है ताकि वो इनटू जैसा दिखाई दे, और बीच में स्पेस भी देना है। तो मैंने यहाँ लिखा 3 कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, विजुअलाइजेशन में ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर होता है, और x चलो तो मैं कैपिटल x लिख सकता हूँ, विद स्पेस मैंने लिख दिया, तो ये दोनों कॉन्केट हो जाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पर आपको ये कॉन्केट करने के लिए ऐसा कोड लिखना होगा, वैसे ही x और 1 को कॉन्केट करना है तो x और 1 को इस तरीके से कॉन्केटिनेशन करना होगा, क्लियर। फिर 1 और इक्वल टू को करना है तो आपको ये प्रोसीजर लिखना होगा, और इक्वल टू और 3 को करना है तो ये लिखना होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई यूज इसलिए किया गया क्योंकि अपने आप 3, 6, 9, 12 ऐसे बढ़ते जाए, क्लियर। अब आप ध्यान में रखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 10 तक गया है, इस क्रम को हम लोग लूप में यूज कर सकते हैं। 1 से 10 तक आप पहले भी प्रिंट करा चुके हैं और उस क्रम को यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ x और इक्वल टू जो है वो कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो चलिए इसका कोड करते हैं, हम लोग यहाँ पर विजुअल बेसिक मैंने ओपन कर दिया। सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं इनपुट लेने के लिए, और टेक्स्ट प्रॉपर्टी से इसको ब्लैंक कर देते हैं, साथ ही साथ हम यहाँ पर एक लेबल बनाएंगे, और लेबल में हम लिख देंगे एंटर एक नंबर, ताकि उनको बदल देते हैं यहाँ पर एक नंबर इनपुट करना है। एक बटन बना लेते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर एक बटन बना लिया है, बटन पे हम कोड करने वाले हैं लूप का। यहाँ पर कोड बहुत सिंपल होगा, लूप हमको 1 से 10 तक चलाना है, तो फॉर आई इक्वल टू 1 to 10, आपको पता है कि स्टेप 1 जो है वो ऑप्शनल होता है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, और नेक्स्ट कर देते हैं, और बीच में हम लोग करेंगे प्रिंट टाइम। ऐसा करने से क्या होगा, देखो यहाँ पर 1 से 10 तक अगर गिनती है वो प्रिंट हो जाएगी, तो जब मैं इसको रन करूंगा और यहाँ पर कुछ भी नंबर देता हूँ मैं, अभी इससे कोई मतलब नहीं है, 1 से 10 तक प्रिंट हो गया है। अब आप देखेंगे कि हमको क्या आना है, यहाँ पर ये फॉर्मूला हम बनाएंगे, हम लोग पहले देखते हैं कि 1 के आगे x लगाना है, 1 के आगे क्या लगाना है x, तो बहुत सिंपल है, इस लूप का कोड ओपन करना है आपको, और आपको पता है कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर लगा करके इसके सामने आप x लगा दो। तो मैंने 1 के आगे x लगा दिया, देखो x और 1 को कॉन्केट कर दिया है। अब आपको क्या आने वाला है, x1 x2 ऐसा आ रहा है, क्लियर। यानी कि हमारा जो आउटपुट आ रहा था ये वाला, उसका ये वाला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके पीछे क्या लगाना है, इक्वल टू लगाना है, पीछे क्या लगाना है, तो उसको भी कॉन्केट कर सकते हैं हम लोग, बहुत सिंपल है। यहाँ पर एक कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर लगाएंगे और स्पेस दे करके इक्वल टू कर देंगे। तो एक नंबर में आई उसके आगे एक्स कॉन्केट हो गया और पीछे क्या हो गया, इक्वल टू कॉन्केट हो गया। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो यहाँ पर कोई भी नंबर देने पर ये आउटपुट आ रहा है x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू, लूप को 20 बार चलाने के लिए 20 लग जाएगा, क्लियर। कितना समझ में आया, अब आपको एक नंबर इनपुट लेना है 3, तो यहाँ पर मैंने 3 लिया है, और 3 जो है x के आगे कॉन्केट होगा, क्लियर।
तो सबसे पहले आप यहाँ पे कोड वेरिएबल दे दो, डिम एक्स नहीं लेते, एन एल डिम दो, और एन की वैल्यू कहाँ से आएगी, टेक्स्ट वन से। यानी कि टेक्स्ट वन में हम दो की वैल्यू को होंगे वो एन में आ जाएगी, किसमें आ जाएगी, एन में, और एन को हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं एक्स के जस्ट सामने, तो यहां पर आप लिखो एन और कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर लगा देंगे। तो एन एक्स के आगे कॉन्कैट हो गया, क्लियर। अब मैं इसको रन करने जा रहा हूं, यहां पर जो भी वैल्यू लिखोगे, थ्री लिखोगे तो क्या होगा, थ्री एक्स वन इक्वल टू थ्री एक्स टू इक्वल टू, ऐसा आ जाएगा। यहां पर दो भी वैल्यू आप देते हो, मैंने थ्री लिखा इसके थ्री किया, मैं यहां पर फाइव लिखूंगा तो फाइव की वैल्यू आ जाएगी। अब हम ध्यान से देखिए कि जो हमारा आउटपुट है उसमें इक्वल टू के बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, फाइव और वन का फाइव आएगा, फाइव और टू का टेन आएगा, फिर फिफ्टीन आएगा, ट्वेंटी आएगा, मल्टीप्लाई करके आ रहा है, क्लियर है। तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, जो वन टू थ्री आ रहा है वो कहां से आ रहा है, आई से, और जो फाइव आ रहा था वो कहां से आ रहा था, एन से। तो उसको यहां पर कॉन्कैट करेंगे एन इंटू आई, ये हमारा कोड बन चुका है, और जो भी हम यहाँ पर नंबर देने वाले हैं उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल आउटपुट में आने वाला है, क्लियर। ये हमारा असाइनमेंट नंबर थ्री था, इसका कोड बहुत कम है, छोटा सा कोड है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, क्लियर, बहुत ही सिंपल कोड है। इसको इस एक लाइन का कोड है, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर लगा करके दस बार लूप में चलाना है, लूप में अगर मैं 12 बार चलाऊं तो ये 12 बार चलेगा, अब देख पा रहे हैं कि यहां पर मैं 12 बार चला रहा हूं, क्लियर। इसको 20 बार, 30 बार, 100 बार, 1000 बार, जितना चलाना है उतने बार चला सकते हैं, क्लियर। तो ये आपका कोड है असाइनमेंट नंबर 3 रिजल्ट रिसीव का।